केशव हरे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम में से कईयों ने कई बार गीता को पढ़ने की और उसे समझने की कोशिश की होगी, किंतु जटिल समस्या ये है कि उनको समझा कैसे जाए। हम में से ज्यादातर लोगों को संस्कृत नहीं आती है। ऐसे में आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं गीता के 18 अध्यायों में से कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य आपके सामने रखूंगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर स्वयं हमें बताकर गए हैं। गीता में आपको भगवान मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं, तो वो सारी बातें गीता में लिखी हुई हैं। हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण हम सभी वासियों को, जो भी धरती पर जन्म लेता है, उसको कहकर गए हैं कि इस तरह से अपना जीवन यापन करें और ये स्टेप्स हैं। आइए हम उस पर थोड़ी नजर डालें और आज का श्लोक देखें कि हम आज किस पर नजर डालें और अपने जीवन में क्या बदलाव लाएं। तो आज का श्लोक है, कर्मण्येवाधिका रास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि। आपको इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान रखें। अपने कर्म से ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। इस पृथ्वी में सिर्फ कर्मों से ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग फल की इच्छा पहले कर लेते हैं और कर्म बाद में। अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है तो लोग प्रॉफिट पहले देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने कार्य से प्रेम होना चाहिए। फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल, अगर आप कार्य करेंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा। किंतु यहां पर देखने वाली बात यह है कि इंसान का जो चित्त है वो व्याकुल रहता है उस फल के लिए जो उसको उस कर्म से मिलने वाला है। यहां पर हमें अपने कर्म पर अडिग रहना होगा। हम इस भूलोक में सिर्फ कर्म कर सकते हैं। फल देना या ना देना ये परमेश्वर के हाथ में है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को अपना कर्तव्य समझ के करें। कई बार मैंने देखा है कि लोग कर्म की जगह फल में अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। अगर आप अपना पूरा ध्यान, अपना एकाग्रचित्त होकर अगर आप एक कार्य को पकड़ लें तो वो सफलता को अवश्य प्राप्त होगा। यहां पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ना कि उसके फल पर। अगर आप कर्म करेंगे तो फल तो कदाचित मिल ही जाएगा आपको। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को शिक्षा दी थी उसी पर आधारित है। जरा सोचिए, अगर संजय अपना कर्म ना करते, फल की इच्छा करते, तो क्या उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती? और क्या हम भगवत गीता को प्राप्त कर पाते? अगर संजय ही थोड़े निढाल हो जाते, सोचते थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर काम कर लूंगा, फिर गुरुवर से दिव्य दृष्टि ले लूंगा, तो किस प्रकार से हमें ये गीता मिल पाती? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने कर्म में लग जाइए, सुस्ताइए मत, बस अपने कर्म में लग जाइए और फल की इच्छा बिल्कुल ना कीजिए। मैंने तो ऐसा भी कई बार देखा है कि लोग भगवान की पूजा भी इसलिए करते हैं ताकि उनको कुछ फल मिल सके। तो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति में लग जाइए और फल की इच्छा कदापि ना कीजिए। इसे अपना कर्म समझिए, इसे अपनी एक ड्यूटी समझिए जिसको आप निभाने के लिए इस धरती पर आपने जन्म लिया है। इसी प्रकार हरेक की जिंदगी अलग है, हरेक का कार्य अलग है, बस अपने कर्म को किए जाइए, बाकी रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जय श्री कृष्ण।